वानसगोड़ा में समाज के पंचायत द्वारा तय किए गए जुर्माना राशि नहीं दिए जाने के बाद महिला को पूरे परिवार के साथ घर से बाहर निकाल देने के मामले में लगातार न्यूज में खबर चलाने के बाद असर हुआ है। पीड़ित महिला को पूरे परिवार के साथ वानसगोड़ा पूर्व पंचायत भवन में सुरक्षित रखा गया। वहीं पीड़ित परिवार ने वानसगोड़ा की JMM नेत्री शांति सोरेन पर इस मामले को उलझाने का आरोप लगाया है। पीड़ित लालमुनि टुड्डू ने प्रशासन से घर में वापस रखवाने की अपील की है। लालमुनि ने बताया कि वर्षों से वह इस घर में रह रही है, घर को लेकर के कोई विवाद नहीं था, सिर्फ जुर्माने को लेकर के इस तरह की हरकत की जा रही है, जबकि मेरा पूरा कागजात इसी घर के पते पर बना हुआ है। मैडम आया था तुम यहाँ से मतलब घर में घुस जाना, तो जो जिसका बोर रहा उसको खड़ा किया ना, वो बोर ताला नहीं खोलेंगे। हम बोले नहीं, हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, यहीं पर रहेंगे। तो मैडम बोले कि नहीं, तुमको सुरक्षा के लिए तुम अच्छा जगह में रख देंगे और तुम बाद में जो फैसला करना है वो बाद में करेंगे। उताला मेरा वाला घर है, बोरा भाड़ा में नहीं, हम भाड़ा में नहीं रहते, हम कभी भाड़ा नहीं दिए हैं, हम पैसा पहले दिए हैं, लेन देन हुआ है, हम तो नहीं छोड़ेंगे। कितना में लेन देन हुआ था? 15,000 में। बदमाशी कर रहा शांति सोरेन और धोनू मुर्मू, और एक है साइड में है दुखू पता नहीं क्या है, दुखू क्या है, शांति तोरण कुछ नहीं है उसका, ना रिलेक्शन है ना अपना जात भाई है ना क्या है, कुछ नहीं है। वहीं पीड़ित की बेटी आरती टुडू ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से न्याय की गुहार लगाई है। आरती ने बताया कि जनवरी के महीने में एक समाज के लड़के ने सिंदूर दे दिया था, उसके बाद उस लड़के से जुर्माने के तौर पर 1,00,000 रुपए लेने की बात कही गई, लेकिन 10,000 देने के बाद गरीबी के कारण 90,000 नहीं दिया गया, जिसके कारण दबाव बनाकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया। दिन हम लोग भूखे और बाहर में सोए थे। तो कौन कर रहा है शांति सोरेन? हाँ, उसी का चाल है, बस वही ज्यादा बोल रही है शांति सोरेन। क्या है वो? कुछ भी नहीं है, हम लोग का रिलेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस उसी के इशारे में नाच रहा है। हाँ, JM नेता है, लेकिन वो हम लोग का रिलेशन भी नहीं है, लेकिन वही ज्यादा बोल रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग के साथ न्याय हो, यानी कि हम लोग को घर मिले। वही मुख्यालय DSP मुकेश कुमार ने बताया कि पहला मामला जुर्माने से संबंधित है, जबकि दूसरा मामला घर को लेकर के है। पुलिस दोनों ही बिंदुओं को देखते हुए जांच कर रही है। इसका पृष्ठभूमि ये है, लगभग एक सप्ताह पहले 22 मई के आसपास SP साहब को सूचना मिली थी कि बांसवाड़ा पंचायत में किसी महिला के साथ कुछ गलत हो रहा है। इस पे मेरे द्वारा सबके द्वारा महिला थाना द्वारी मारफारी वहाँ भेजा गया था। वहाँ जाने के बाद उनको पता चला कि संजय मुर्मू नाम का कोई व्यक्ति है जो गालीडीह का रहने वाला है, वो जनवरी माह में इनकी जो महिला इनकी बेटी आरती टुडू को नाग में सिंदूर डाल दिया था, जिसको लेकर के पूरा पंचायत बैठा था और उन्होंने इसके लिए 1,00,000 रुपया फाइन किया था, जिसको थाना स्तर से मामले को समझा बुझाकर फाइन को खत्म कराया गया। तभी उसी में एक और मामला इनका उठा, जो पूनम वाणी करके हैं, जिनके आगे किराए पर रह रही हैं, उन्होंने कहा कि सर ये मेरा घर नहीं छोड़ रही है और ना किराया दे रही है। इसी मामले को लेकर के पंचायत ने फिर फैसला किया, ठीक है आपका अपना जहाँ जमीन आप अपना घर बना लो और इनका घर खाली कर दो। तो वह स्वतः महिला फुलमनी टुडू ने खुद ही बोला कि मैं खाली कर दूंगी, और इसी आदत में उन्होंने घर खाली करके उनको जो भी लोकल हेल्प उसकी सहायता से हम लोग सोचे कि इसको घर बनवा कर रखवा दें। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।